हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटी मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है कढ़ाई में। इसमें हम पहले भिंडी को फ्राई करेंगे, तो इसको हम अच्छा गर्म कर लेते हैं पहले। और ये भिंडी को मैंने इस तरह से, अगर बड़ी भिंडी है तो उसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, छोटी है तो मैंने उसको ऐसे ही काट लिया है बस। तो अब ये हमने डाल दिए फ्राई करने के लिए और ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस भिंडी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, और हमें ऑयल का टेम्परेचर हाई फ्लेम पे ही रखना है, लो नहीं करना है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें भिंडी को हल्का सा फ्राई करना है। हमें इसे डीप फ्राई तो नहीं करना, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल के साथ फ्राई करेंगे, और बाकी बचे हुए ऑयल में हम अपनी सब्ज़ी रेडी करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारी भिंडियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और जो बचा हुआ ऑयल है अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम निकाल लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और 1 हरी मिर्च को क्रश कर लिया है, और ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है बारीक कटा हुआ। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को प्यूरी फॉर्म में भी पेस्ट बना के भी इनको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 पिंच हींग ऐड कर दी है मैंने, और ये टमाटर, इसको भी मैंने क्रश करके डाला है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यूज़ किए हैं। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये मेरे पास सब्ज़ी मसाला है वो भी मैंने ऐड किया है, किचन किंग का सब्ज़ी मसाला है वो मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और मिर्ची और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे और अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे मसाले में जो कच्चापन होता है, कच्चेपन की स्मेल होती है, वो भी चली जाएगी, और ये आपस में अच्छे से मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे सारे मसाले। और ये देखिए, सरफेस पे ऑयल आना शुरू हो गया है, मसाला हमारा भुन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच दही, और इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे जिससे हमारा जो दही है वो फटे ना। और अब मैं इसमें 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ, और अब हम भिंडी को ऐड कर देते हैं इसमें। तो इसमें हल्का सा पानी है, और इसी पानी में जो है भिंडी और थोड़ा सा पक जाएगी। अब इसे ढक के पका लेंगे हम। ढक के लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि भिंडी ऑलरेडी कुक है, हमने फ्राई कर लिया था भिंडी को। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये आप रोटी, पराठा, राइस के साथ भी खा सकते हैं एक्चुअली इसे आप। तो ये हमारी ग्रेवी वाली चटपटी भिंडी रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।